नमस्कार। मनोरंजन की दुनिया में आजकल हर तरह से एक्सपेरिमेंटल प्रयोग देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने सोच लिया कि अब बहुत कुछ हो गया पुराना, अब कुछ नया दिया जाए। और उसी कड़ी में एक प्रोमो है, आजकल बहुत ज़्यादा धूम मचाए हुए है। उस प्रोमो का नाम है और उस सीरीज का नाम है साइको। साइको का मतलब होता है एक अर्थ विक्षिप्त आदमी जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी जो हम जिस वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, बहुत जल्द आप यूट्यूब पे सीरीज इसका देख पाएंगे और बहुत ही खूबसूरत विषय के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। और उस प्रस्तुतिकरण में जो जान डालने का काम किया है उसको हम कह सकते हैं कि वाकई आज की तारीख में ऐसा साइको देखने को मिलता नहीं, हम कल्पना कर पाते हैं। लेकिन ये सच है कि एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत साइको आपको देखने को मिलेगा, जिसको देखेंगे आप तो आप कांप जाएंगे। आज वही शख्स हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक कैरेक्टर को जिया है जिसका नाम है साइको। और हमारे साथ खुद हैं आज मुनीश खान। मुनीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। ये जो वेब सीरीज का आज दौर पड़ता जा रहा है, हर बड़ी कंपनी बना रही है, आपने जो इसको शुरू किया है, क्या 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 सोचा है आपने इसको लेकर? आजकल पूरा ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग वेब सीरीज बना रहे हैं। इट्स यूट्यूब पे लॉन्च होती है खुद के चैनल पे, तो दिस इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। हमारा खुद का चैनल है आर्केंजल एंटरटेनमेंट, हमारी खुद की कंपनी आर्केंजल एंटरटेनमेंट, एंड हमें इस कुछ हटके करना था। एंड आई थिंक वेब सीरीज में अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है इस जॉनर का, तो मी एंड माय डायरेक्टर सेट हम लोगों ने प्लानिंग किया और फिर ये साइको निकल के बाहर आया। हमने सुना है कि जब आप घर से निकलते हैं तो बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा परहेज करते हैं, खासकर बच्चों की अगर बात करें तो, ऐसा क्या आपने किया है जिसमें लोग डर जाते हैं? सी, एज एन एक्टर इट्स अ वेरी बेस्ट गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। मेरे घर वाले भी, मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं कि जब वो प्रोमो देखते हैं कि उनको लगता नहीं कि वो मुनीश है, वो सच्ची में उनको लगता है कोई कबीर है। तो इट्स अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता है और उससे, उस कैरेक्टर से लोग इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो इंसान से डरते हैं, तो इट्स अ, देयर इज नो बिगर कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर देन दिस। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह का कैरेक्टर पहले कभी नहीं आया है। अगर हम शक्ल सूरत की बात करते हैं, गेटअप की बात करते हैं, तो चेहरे से इस तरह से बना दिया जाता है कि लोग उसको देख कर डरे। आपका जो चेहरा बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है, उसी को आपने आधार बनाया है, तो और क्या क्या तैयारियाँ की आपने बतौर एक्टर? सी, साइको जो होते हैं, मेरे जहाँ तक मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, और कोई उनका शक्ल ख़राब नहीं होती है, पागल नहीं होते हैं, एक आम आदमी की तरह होते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हों। और वो एक मेंटली इलनेस होती है, उनको कुछ ना कुछ इलनेस होती है, तो मैंने खाली एक थॉट पे ऊपर काम किया कि ये बंदा जो है, इसकी एक अपना, इसकी एक ख्वाहिश है कि इसको एक लाइफ पार्टनर मिले जो इसी की तरह हो। और ये पूरा टाइम साइको नहीं रहता, इसको जब कुछ बुरा लगता है, कोई इसका दिल तोड़ता है, तो एक अंदर से इंस्टिंक्ट बाहर आती है और वो साइको एक्टिंग करने, साइको बिहेव करने लग जाता है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ओन कैरेक्टर। अच्छा, पूरी टीम आपके लिए नई थी मुनीश भाई, आपने तो बहुत सारी फिल्में की हैं, बतौर एक्टर आपको अवार्ड भी मिला है कोटा जंक्शन के लिए जी, पे बैक के जरिए भी आपने अपनी प्रतिभा बहुत पहले दिखा दी थी। लेकिन अगर हम इस यूनिट की बात करें, जिस तरह से लखविंदर हैं, बाकी जो कलाकार हैं, उसका उनके साथ काम करना कैसा अनुभव रहा आपके लिए? पूरी यूनिट नई थी मेरे लिए, लेकिन लखविंदर मेरा बहुत सालों से दोस्त है। लखविंदर ने मेरे लिए बहुत अच्छी रीजनल राजस्थानी फिल्में बनाई हैं, अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई हैं। वाह, हमने चार फिल्में एक साथ बनाई हैं राजस्थानी लैंग्वेज में, और चारों को कम से कम 4 से 5 अवार्ड्स मिले हैं, और वो लखविंदर की वजह से मिले हैं। तो आई ऑलवेज हैड फेथ इन हिम, एंड इट वॉज हिज फर्स्ट हिंदी वेंचर, तो फिर हम दोनों ने अपने इनपुट्स डाले, साथ में बैठे, एंड देन इट केम आउट। सरोज खान इसके सीरियल के, सीरीज के निर्माता हैं, उनका कैसा योगदान रहा? सरोज खान इसके प्रोड्यूसर हैं, अपना उनको कॉन्सेप्ट पसंद आया और फिर उन्होंने बोला गो अहेड, देन वी स्टार्टेड शूटिंग एंड प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, नाउ द रिजल्ट विल बी सीन बाय ऑल इन फ्यू डेज, एंड देन क्या होता है उसका रिजल्ट सब पता चल जाएगा। बिल्कुल। अभी आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत एक्साइटेड हैं आप, या क्या बहुत सारा फीडबैक मिल रहा होगा आपको, क्योंकि पिछले दिन हमने प्रोमो देखा तो बहुत सारी लड़कियां देख रही थी और सब के मुंह से चीख निकल गई, अभी क्या कहेंगे आप? एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम बाद मेरी खुद की वेब सीरीज आ रही है, एंड इतने कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है, एंड आई होप सब लोगों को ये वेब सीरीज पसंद आए, एंड देन दे वेट फॉर द सीजन 2। बिल्कुल। जिस तरह से आपने धमकी दी है कि मर जाओ प्लीज़, आप चलते चलते दर्शकों को क्या कहेंगे कि आपका सीरियल किस अंदाज में वो देखें? एक्चुअली ये मर जाओ प्लीज़ जो डायलॉग है ना, क्या होता है ना कि हम जो भी चीज़ें करते हैं हमारे रियल लाइफ या रील लाइफ से देख के करते हैं, तो हमारा एक ग्रुप है
दोस्तों का, हमारा एक फ्रेंड है, उसको हम हमेशा ही बोलते हैं कि आप मर जाओ ना प्लीज. तो आई गॉट दैट थॉट फ्रॉम देयर एंड फिर उसको मैंने अपने वेब सीरीज में सीन के अंदर इम्प्रोवाइज किया था, आप मर जाओ ना प्लीज. तो चलिए, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं मुनीश भाई कि आपका जो सोच है, आपकी जो यात्रा है, वो बहुत आगे बढ़े और साइको के तौर पर आप दुनिया में छा जाए, क्योंकि आज के दौर में छाना बहुत आसान है. बहुत सारे माध्यम हैं, यूट्यूब पर आप साइको की जो पूरी कहानी है वो देख सकते हैं, और कुछ अलग महसूस करना है तो ज़रूर आप साइको को अपने आप से जोड़ सकते हैं. मुनीश भाई, चलते चलते यूट्यूब पर क्या, किस तरीके से लोग देख सकते हैं ये बता दीजिए. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएँ. चैनल का नाम है आर्कएंजल एंटरटेनमेंट, ARCHANGEL एंटरटेनमेंट. आपको यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो टॉप पे आर्कएंजल एंटरटेनमेंट आएगा, आप उसको सब्सक्राइब करें और उसके यहाँ पास में एक बेल का साइन है, उस पर क्लिक करें. जैसे जैसे हमारे प्रोमोज, हमारे पोस्टर्स, हमारे इंटरव्यूज, हमारे एपिसोड अपलोड होते जाएंगे, वो आपके मोबाइल पे ब्लिंक करेंगे एंड देन आप देख पाएंगे. और आशुतोष जी, इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि वेब सीरीज़ अगर जितनी छोटी है उतना अच्छा होता है. तो हमने पूरी कोशिश की है कि 10 मिनट के ऊपर नहीं जाए, ताकि कोई भी इंसान अपना, कोई भी व्यूअर उसको मोबाइल पे बैठ के टाइम पास के टाइम पे देख सके और उसको समझ सके. क्योंकि आधे घंटे की अगर हम करते तो नोबडी हैज सो मच टाइम टू वॉच इट ऑन मोबाइल. तो इसकी यूएसपी ये है कि 10 मिनट्स की है और 10 मिनट्स में आपको पकड़ के रखेगी वो. तो बिल्कुल, अगर आप अपने आसपास मनोरंजन तलाशने की कोशिश करते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप घर बैठे या फिर स्मार्टफोन पर भी साइको को देख सकते हैं. फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए मुनीश खान जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि साइको के जरिए आप कुछ अलग ज़रूर महसूस करेंगे. फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही. बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए In24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार. थैंक यू सो मच. प्लीज़ वॉच साइको.